दोस्तों, ग्रैंड पा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो मैं गुलाब के पौधे में किस तरह से अधिक फूल लें और कैसे रीपॉटिंग करें इसके बारे में जानकारी देंगे, कौन सी खाद डालें। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो गुलाब का फूल है, यह जिस तरह से फल में फलों का राजा आम होता है, उसी तरह से गुलाब फूलों का राजा है। गुलाब का स्थान फूल में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह पौधा जहाँ भी लगाते हैं, घर आंगन की, बगीचे की, एकदम अच्छे से शोभा बढ़ा देता है। दोस्तों, गुलाब का फूल तमाम लोग लगाते हैं, लेकिन सबको अच्छी तरह से फूल मिल नहीं पाता है। कुछ लोगों के गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, कुछ लोगों के गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते हैं और कुछ लोगों का गुलाब सूख जाता है। तो इसमें, इस वीडियो में मेरा एक बात पे फोकस है कि जो गुलाब का पौधा हम लगाते हैं, तो उसके तो कई कारण होते हैं फूल ना आने के और ग्रोथ रुक जाने के, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण और मेन कारण होता है, तो पॉट की साइज़ का होता है। दोस्तों, गुलाब का फूल लगाने के लिए कितने बड़े पॉट का इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि गुलाब को लगाने के लिए अगर आप कितना भी छोटा पॉट रखेंगे, तो कम से कम 12 इंच का तो पॉट रखना ही होगा आपको। ये देखिए, सामने जो मेरा गुलाब का पौधा लगा है, पहले तो इसको देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, बढ़िया फ्लावरिंग है। और फूल के अलावा कलियाँ देखिए, ये कली लगी है, इधर कली लगी है, ये सब कई कलियाँ हैं, हर डाल में कली आपको दिखाई देगी। और ये मेरा पौधा गुलाब का बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, ये सामने आपको देखने से ही लग रहा है। लेकिन इसके पॉट का साइज हम 12 इंच रखे थे और 12 इंच के पॉट में हम देखे कि ये रूट बाउंड हो रहा था। तो इस समय हम इस अपने पौधे की, ये प्रॉपर समय है, अक्टूबर बीत गया है, आज 1 नवंबर है और आगे सर्दी शुरू हो जाएगी, उस समय इसका विकास रुक जाएगा, पौधा डारमेंसी में जाता है। तो हमें अब से लेकर के और पूरी सर्दी अच्छा फूल मिले, इसके लिए हमको अच्छे साइज़ के पॉट में अपने इस पौधे को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहले गुलाब का पौधा 12 इंच के गमले में था, अब मैं इसे 15 इंच के गमले में शिफ्ट करूँगा, इसे मैं 15 इंच के गमले में शिफ्ट करूँगा। ये अभी 12 इंच का है, ये 15 इंच का गमला है। और शिफ्ट करने के लिए बहुत सावधानी से हमने पहले ऊपर से ये कम से कम 2 इंच मिट्टी खाली करके ये सब मिट्टी हमने बाहर निकाल दिया है। और मिट्टी, ऊपर की मिट्टी बाहर निकालने के बाद ये पतली खुरपी की मदद से हमने इस तरह से, ये देखिए, ये चारों तरफ से हम इसमें थोड़ा गमले की दीवार से मिट्टी को छुड़ा देंगे। और इसके बाद हम अपने इस पौधे को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा पौधा कितना अच्छे से और पूरा जड़ समेत ये बाहर निकल गया। इसको हम अभी नीचे रख देते हैं, ये या अब इसकी रीपॉटिंग हमें इस गमले में करना है। ये देखिए, रीपॉटिंग करते समय गमले में प्रॉपर होल होना चाहिए। ये देखिए, गमले में छेद, मोटा छेद बनाया गया है जिससे कि पानी आराम से निकल जाए। इस छेद को एक, ये टूटे टुकड़े से इस होल को बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसमें हम नीचे की तरफ थोड़ी मिट्टी डालेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा मिट्टी नीचे की तरफ डाल दिया। अब जो इसमें हम मिट्टी डालेंगे, तो उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। एक देखिए, ये हमने ले लिया मिट्टी बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा
इतना हमने ये नॉर्मल गार्डन सॉयल ले लिया। इस नॉर्मल गार्डन सॉयल में हम मिक्स करेंगे गोबर की खाद, इसका कम से कम आधा। दोस्तों, गोबर की खाद में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि गुलाब के पौधे में फूल और कली लाने के लिए और इसके बढ़वार को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। इस तरह से हमने इसमें जितना मिट्टी थी लगभग उतना ही गोबर की खाद डाल दिया। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस तथा इसके अलावा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। गोबर की खाद डालने के बाद इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे। ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये मस्टर्ड केक है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया हूँ। इसे मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। ये लगभग 50 ग्राम मस्टर्ड केक आपको दिखा दें। ये देखिए, ये मस्टर्ड केक है, इस तरह की आती है और इसको मिट्टी में मिलाते समय छोटे टुकड़े में हम लोग तोड़ लेते हैं। मस्टर्ड केक मिलाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे, ये है इस बड़े डिब्बे में, नीम की खली। तो दोस्तों, नीम की खली भी बस ये इतना मिलाना काफ़ी है। इतना हमने इसमें ये नीम की खली मिक्स कर दिया। नीम की खली मिक्स करने के बाद हम इसमें इंसेक्टिसाइड पाउडर थोड़ा सा मिलाएंगे। ये देखिए, बस ये हमने साइपरमेथ्रिन मिलाया जो कि इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला देंगे ताकि मित्र फंगस की संख्या इसमें बढ़ जाए। और इस मिट्टी को हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद और कीटाणुनाशक खाद तैयार हो गई है। जो मेरे पुराने गमले से मिट्टी निकली थी उसको मैं अलग हटा दिया और उसके एवज में सूखी हुई मिट्टी जो एकदम से प्रॉपर तरीके से सूख गई है, कीटाणुनाशक है, उस मिट्टी को लिए हैं। तो अब हम अपने पौधे को शिफ्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। इस तरह से देखिए, चारों तरफ से थोड़ी मिट्टी कम करके और हमने इसे छोटा कर लिया और इसको नीचे से भी थोड़ा सा कम कर देंगे। जो देखो, इस तरह से नीचे से भी रिपॉटिंग के लिए तैयार है और इसे मैं अपने इस गमले में इसको आराम से सीधा करके खड़ा करूंगा। हम इसमें ये प्रॉपर तरीके से तैयार की गई मिट्टी को इसमें डाल देंगे। और इस खुरपी की मदद से मिट्टी को नीचे तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, हमने गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से इसको रिपॉट करते समय अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा डाल दिया, गोबर की खाद और ये मस्टर्ड केक, नीम केक और फंगिसाइड पाउडर, ट्राइकोडर्मा। अब ये सब डालने के बाद जो इसमें हम पानी डालेंगे,
तो पानी में हम पानी में इप्सम साल्ट मिक्स करके डालेंगे, क्योंकि इप्सम साल्ट की वजह से मेरा पौधा भी स्वस्थ रहेगा। जो गमले में न्यूट्रिएंट्स विद्यमान है उसे इप्सम साल्ट पौधों तक पहुंचाएगा, पौधा हरा भरा रहेगा, कलियां आएंगी और अच्छे फूल खिलेंगे। और यह पौधा हमें अब 2-3 साल तक दोबारा रिपॉट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसके गमले की साइज़ छोटी थी इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों देखिए ये इप्सम साल्ट है, इसकी हम थोड़ी मात्रा ये लेते हैं। ये देखिए 1 चम्मच के बराबर हमने लिया और इसे इस पानी में डाल देंगे, हजारा की पानी में डालेंगे। और इप्सम साल्ट से मिक्स हुए पानी को हम अपने गुलाब के पौधे में वाटरिंग कर देंगे। ये देखिए इस पानी में इप्सम साल्ट घुल गया है, ये पानी हम इसमें डाल देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपॉटिंग करने के बाद इस पौधे को अभी हम ले जा करके किसी छाया वाले प्लेस में शेड के नीचे रख देंगे और 3-4 दिन के बाद इसे पुनः धूप में रखेंगे। तो इस तरह से रिपॉटिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई। रिपॉटिंग के समय ही हमने इसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स खाद सब कुछ दे दिया है। अब ये मेरा पौधा पूरी सर्दी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक बहुत अच्छा से फूल देगा। तो दोस्तों हम आपसे लास्ट में निवेदन करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।